सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरकृपाल सिंह अशक अज तुहाडे लई एक बहुत ही खास प्रोग्राम लेके आया है। जिथे मैं खड़ा तुसीं मेरे पिछे देख सकते हो कि एक भीड़ इकट्ठी हुई है। ये भीड़ जिहड़ी है इन्हां दे विच तुसीं देखोगे कि बहुत छोटे छोटे बच्चे ने। ये बच्चे सारे स्लम एरिया दे विचों ने। अज वैलेंटाइन डे है ते वैलेंटाइन डे दा इन्हां वास्ते शायद असल कोई अर्थ नहीं हुंदा जिस तरीके का वो जीवन जिउंदे ने। पर जिथे मैं खड़ा है ये पिछे एक यूनीवर्सिटी है जिसनों रिम्ड यूनीवर्सिटी करके जाने जाता है। उत्थों के जिहड़े विद्यार्थी ने उन्होंने एक वक्रे तरीके दिन मना का जिहड़ा बीड़ा चुकिया है वक्रे ढंग मना रहे हैं। आओ पहले आप देखते हैं कि किस तरीके इस दिन मना रहे हैं तो अखीर फिर आप गलबात करांगे। इस सारे प्रोग्राम में एक वक्रे तरीके एवेल्यूएट करने की कोशिश करांगे। आओ देखते हैं कि इत्थे की चल रहा है इस समय। दोस्तों, इस समय साढ़े नाल एक बहुत प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट डॉक्टर सतीश मेनन ने ते वो कुछ कहना चाहते हैं अपने दिल के बल बले ने वह साढ़े नाल सांझे करने चाहते हैं। थैंक यू जी। मेरा ख्याल है कि जिहड़े बच्चे है इन्हां नूं ना किसी तरीके एजुकेशन नाल जोड़ना चाहिए है, क्योंकि जिन्ने भी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हुंदे ने उन्हां नूं किसी तरीके मेन स्ट्रीम नाल जोड़ना पैंदा है। अच्छा, उहदे लई मैं रिम्ड यूनिवर्सिटी की ऑर्गनाइजेशन नूं उहनां नूं कहांगा भी इन्हां लई एक स्पैशल क्लास ईवनिंग क्लास ईवन कुछ शुरू करन और उसके लिए सारा खर्चा खुर्चा देन और इन्हें फ्री एजुकेशन देन ताकि ये मुड़के दोबारा एक रेगुलर स्कूल के जाने के काबिल हो सकन और ये नाल लिटरेसी जी साड़ी वो वधेगी और जिहड़े झुग्गियां चौंपड़ियां वाले बंदे ने जिहड़े कि बेसिकली एक थां ते टिकदे नहीं है उन्हां नूं एजुकेशन जी दित्ती जाएगी। इस तो इलावा इन्हां बच्चों लई या इन्हां परिवारों लई एक वाल ऑफ चैरिटी क्रिएट करनी चाहिए है जिथे कि जिहड़ा भी बंदा जिहड़ा है अपने कोल जिहड़ा वाधू समान है जिहड़ा उहदा यूजफुल नहीं है उत्थे टंग दे ताकि ये अपने मुताबक अपनी लोड मुताबक उत्थों समान जो लै लैन, चाहे वह शर्ट होए कोट होए पेंट होए किसी किसी की जी चीज़ है इवन पढ़ाई का समान होए कापियां किताबा होन ये उत्थे दित्तियां जान ताकि ये जो समान साडी सोसाइटी का हैगा ये भी उस तरह प्रफुल्लित हो सके जिस तरह कि बाकी आम लोग पूरे करते हैं और ये जो सरकार की मदद लैनी पई तो असं वही लवान। एक थोड़ी गल बहुत वधी है पर मैं चाहना भी जिहड़ा भी कुछ होवे वो बड़ा डिग्निफाई तरीके नाल होवे इन्हां नूं माण महसूस होवे सोसाइटी दे विच इन्हां नूं दान ना लगे माण महसूस होवे। सो उहदे लई इह है कि इन्हां नूं इनवॉल्व करना चाहिए सानूं भी इन्हां जो असीं आप इनवॉल्व करांगे एक कमेटी बनावांगे जिहदे विच इन्हां दे ही मैंबर होणगे और जो ये चाहणगे जिस तरह सौखा इन्हां लगेगा वो असीं करांगे। साढ़े नाल इस समय मैडम दमन ओबराए ने जिहड़े कि बच्चों नाल बहुत गहरी तरह नाल जुड़े हुए ने जिहड़े एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नाल संबंधित होने नाते वो की फील करते हैं अपने मुँह आप दसणगे। सर, एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक हम एप्रीशिएट कर रहे हैं कि बच्चे एक अपना यू नो दे आर टेकिंग देयर वैल्यूएबल टाइम और ये बच्चे बच्चों को द पुअर स्टूडेंट्स दे आर स्पेंडिंग सम टाइम आई मीन आई रियली एप्रीशिएट दैट। Oh
आप किसी को खुश करो. फॉर मी वैलेंटाइन डे इज दिस एंड मुझे यहाँ पे आके आज बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू रिलैक्स योर सेल्फ. अगर आपके पास बहुत सारी टेंशन है लाइफ में, यू शुड कम हियर एंड सी. इनसे ज़्यादा आई मीन कितना कम है इनके पास, फिर भी दे आर सो हैप्पी. आई थिंक इट्स अ बेस्ट वे टू रिलैक्स योर सेल्फ. महसूस कर रहे हैं सारे नाल, बहुत मतलब खुश ने सारे बच्चे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. बहुत खुशी हुई कि इतने आए हैं. पहली बार लाइफ से एक एक्सपीरियंस किया कि छोटे बच्चे नाल प्यार करना कितना कितना बढ़िया गल हुंदी है. असीं बहुत ज़्यादा खुश हाँ. मम्मा पापा नूं प्यार करते. वैलेंटाइन डे जरूरी नहीं कि सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना मनाया जाए. एक एक इहो जिहा चीज़ है प्यार, जिथे वंडो तो ज़्यादा वंडिया जाता है. मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि वैलेंटाइन वैलेंटाइन असं इस तरह मना रहे हैं. मैनू दिलों बहुत खुशी है कि सबने ये मौका दिता कि असं ये बच्चों के नाल अपना सैलीब्रेट कर रहे हैं. सो मैं तो सच्ची दिलों बहुत बहुत खुश हाँ कि आज इन्ना अच्छा मोमेंट, इन्ना अच्छा स्टेप चुके हैं कि बच्चों असं एक अच्छी नॉलेज दे रहे हैं कि वैलेंटाइन मनाना किवें चाहिए, की ओरिजिनल मतलब ने वैलेंटाइन से. वैलेंटाइन का मतलब मेन अज असी देखने को मिले कि मेन की नाम है कि प्यार. असी अज प्यार उन्होंने बच्चों वंडद जिन्होंने बहुत घट घट प्यार मिले है. कदे कि जो बच्चे अज जी इन्हों चेहरे से खुशी देखने को मिल रही है, उ मेन चीज़ है वैलेंटाइन. बेसिकली आप वैलेंटाइनस डे मनाने अपने जिन्हों आप प्यार करते हैं. लाइक मोस्टली साडे लिए वैलेंटाइनस है बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, बट रियल वैलेंटाइन तो उही है या साडी फैमिली है जिन्हां नूं असीं प्यार करते हैं, या ये बच्चे ने जिन्हां नूं आप मना सकते हैं. सिर्फ प्यार ही एक प्यार का नाम वैलेंटाइन है. ये नहीं कि सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वैलेंटाइन है. जिन्हों आप प्यार करते हैं, जिन्हां नूं आप प्यार शेयर कर सकते हैं, वो साडे वैलेंटाइनस ने. इत्थे साडे वैलेंटाइनस बच्चे ने. वैलेंटाइन का रियल मीनिंग ही प्यार करना होंगे. जब प्यार बच्चों नाल हो तो फिर बहुत ज़्यादा वधिया गल है कि आप उन्होंने देख रहे हैं, उन्होंने टाइम स्पेंड कर रहे हैं. बहुत बहुत ज़्यादा वधिया फीलिंग है इतने आना, इतने उन्होंने बैठना, खेलना, सब कुछ बहुत वधिया. सर मेरा कहने का मतलब है भी जिस बच्चे को खुशी देिए जितो अपन उस खुशी मिलती है. खुशी देना ही वैलेंटाइन डे मनाया जाता है. अपना बच्चों को खुशी देना, प्यार देना, आही वैलेंटाइन डे है. किसी कपल दे विच ही प्यार करी ने, पेरेंट्स विच, बच्चों विच भी वैसे हो सकता है प्यार. जरूरी नहीं कि आपां सो बच्चों नाल प्यार ही साडा वैलेंटाइन डे स्पेशल बनांदा है. इन्हां नाल प्यार करके सानूं वधिया लगदा है. सारी कपल वाला प्यार तो सारे करदे ने, पर जिहड़ा इन्हां नाल प्यार हुंदा है वह सब तो वधिया लगदा है. सर जरूरी नहीं कि प्यार सिर्फ एक लड़का और लड़की दे विच ही होवे. प्यार बहुत तरह का हुंदा है. प्यार हो सकता है एक माँ दे लई अपने बच्चे लई, एक बाप दे लई अपने बच्चे लई, दो भैणां दा, एक भाई ते भैण दा. प्यार बहुत तरीके दा हुंदा है.
एक जड़ा है ये भी प्यार का ही रूप है तो इस प्यार नो दर्शाने लिए सानू बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड इत्थे आके बहुत ही दिल नो सुकून मिलिया साडे दिस थिंग्स आर द हैप्पीनेस फॉर देम द लॉट ऑफ थिंग्स वी जस्ट एंड आई फील सो हैप्पी टू से द मोमेंट बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है यूनिवर्सिटी के पास हम लोग रहते हैं हमारे बच्चे इतना बड़ा ड्राइंग करते हैं आज पहली बार देखा है कि इतनी खुशी मिल रही है यहाँ पे सब लोगों से मिलकर अच्छा आपको मालूम था कि आपके बच्चे इतनी बढ़िया तस्वीरें बनाते हैं पहले नहीं आज पहली बार पता लगा कि ऐसी बच्चे ड्राइंग बनाते हैं यहाँ पर अच्छा आपको इनको पढ़ाना चाहते हैं आप आगे पढ़ाना भी चाहते हैं पढ़ भी रहे हैं आगे और पढ़ेंगे भी बढ़िया लग रहा है अच्छा अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है खूब बढ़िया लग रहा है पॉकेट मनी नाल बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट इकट्ठे किए ने सारे कैंडिडेट जिन्हें भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है कुछ ना कुछ कॉन्सोलेशन प्राइज सारे दिता जाएगा और मेरे ख्याल बहुत अच्छा उपराला है जे आप सारे स्टूडेंट्स में इतना मोटीवेट करके चलीए स्टूडेंट्स यहोजे काम च पैन तो समाज अपना जरूर अगे वधिया तरह सिर जाएगा दोस्तों इस समय साढ़े नाल RIMT यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर हुकमचंद बांसल होरी ने जेडे हुणे तुसीं बच्चों जो कुछ करते देखे उन्होंने तो वह भी बहुत प्रभावित हुए हैं और जानते हैं उन्होंने किवें महसूस किया है सारी जी बच्चों की एफर्ट है बांसल साहब हुणे तुसीं जी है अज जी बच्चों की एफर्ट्स देखी कि किस तरीके बच्चों ने अगे वध के वैलेंटाइन डे नूं एक वक्खरा रूप दिता एक वक्खरा ढंग बना मनाया उसनों तो एक नवा सुनेहा सोसाइटी देने की कोशिश की तुसी इस बारे की महसूस करते हो जो एक इंडिविजुअल अच्छा स्किल डेवलपमेंट मिलती है कम मिलता है और एक अच्छे सोसाइटी बैठने के काबिल बनता है तो वह अपना भी विचार बन जाते मैं अपनी सोसाइटी के हो बच्चे मैं ग्रूम करना पढ़ाव काम तो जो सानू भी नज़र आना भी साढ़े एरिए खैर बड़ा डिवेलप्ड एरिया साढ़ा पंजाब का जो थोड़े बहुत सलम रह भी गए तो उन्होंने बच्चों डिवेलप करने वास्ते असं यही बच्चे साढ़े को रिक्वेस्ट लेकर आए कि सानू टाइम दो ताकि जगह एजुकेट करिए पढ़ाईए तो नवी जीवनधारा शैली सिखाइए मैनू पता ये भी लगे थोड़ा जिहा बच्चों के मूँह से पता लगे कि तुसी कुछ ऐसा उन इन्हों बच्चों ने जोड़े स्लम बैठे ने बच्चे बाहर बैठे ने बिल्कुल उन्होंने विकास वास्ते भी कुछ एजुकेशन वास्ते प्रबंध कर रहे हो चलो एक लाइन लाइट चाहिए नहीं साढ़े को जो भी होंगे असं इन्हों वास्ते एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि ये एक नवी सोसाइटी में आन तो साढ़े आने वाले जीवन सही हो कुछ ऐसा भी है भी तुसी हुण तक अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जिहड़े इलाके दे लोक ने उन्हां दी स्किल डिवेलपमेंट वास्ते जां कुछ होर ऐसे जतन कीते ने असीं इह 6 महीने तो कर रहे हैं तो साडा हुण चौथा 4 बैच इकट्ठे निकल रहे ने और मैं कहूँगा मैनूं देख के खुशी हुंदी है जो बच्चे साडे कोलों उह सैगमेंट चों आए सी जिथे उन्हां नूं सोसाइटी एक्सेप्टेंसी करदी ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਖਾਣ ਲਈ ਲੰਚ ਅਤੇ ਚਾਹ ਈਵਨਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਣਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਟ ਪਾਰ ਵਿਦ ਦਾ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਸਲਮਸ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਹਰ ਅੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁੱਟ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।